हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभम फ्रॉम ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम क्रिस्पर कैस 9 एंड जीन एडिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज दिस क्रिस्पर कैस 9? दिस इज अ मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया, ओके, फॉर डिफेंस, राइट। मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया में अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज, अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस दैट इंफेक्ट बैक्टीरिया, तो उसके अगेंस्ट ये मैकेनिज्म काम करता है। ओके, सो हाउ दिस वर्क्स वी विल सी। वी कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी, adaptive immunity in bacteria. So what is CRISPR? CRISPR stands for, full form is clustered regularly interspaced short palindromic repeats. क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, मतलब शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है विच आर क्लस्टर्ड इन द जेनोम। ओके, नाउ दिस इज लोकस इन बैक्टीरिया क्रिस्पर। कैस इज क्रिस्पर एसोसिएटेड, associated CRISPR associated proteins. Basically these are the nucleases, okay, nucleases which are associated with CRISPR locus. मतलब CRISPR के साथ ये काम करते हैं, okay, working on CRISPR, right? Now I have collected different pictures from different sources, okay? उस पिक्चर्स से हमें बहुत इजी होगा समझने में जो मैकेनिज्म है इन डिटेल, राइट। सो दिस इज अ क्रिस्पर लोकस इन बैक्टीरिया, राइट। यहाँ पे लीडर सीक्वेंस है, सो दिस इज अ लीडर सीक्वेंस एंड यहाँ पे जीन्स है, राइट। सो बेसिकली दिस इज अ रिपीट, ब्लैक एरियाज आर रिपीट एंड स्पेसर, ओके। जो कलर्ड रीजन्स है दैट इज स्पेसर, ब्लैक रीजन्स आर रिपीट, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, राइट। तो दिस स्पेसर, ये जो स्पेसर है, स्पेसर इज हैविंग सीक्वेंस आइडेंटिकल टू द फेज, सीक्वेंस होता है दैट स्पेसर सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है, आइडेंटिकल है टू द फेज सीक्वेंस, ओके। एंड फ्रॉम दैट उससे हमें पता चला कि ये फेज से रेजिस्टेंट है, ओके। मतलब इस बैक्टीरिया में उस फेज से इंफेक्शन नहीं होता, राइट। सो बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट फॉर दैट फेज, ओके। सो दिस इज बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्पर। दिस इज इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में दिस इज अ क्रिस्पर लोकस, CRISPR locus और वी कैन से डीएनए। अभी वायरस में, दिस इज इन वायरस, ओके। वायरस बेसिकली बैक्टीरियोफेज। नाउ दिस प्रोटोस्पेसर, प्रोटोस्पेसर गेट्स इंटीग्रेटेड इन द डीएनए। जो प्रोटोस्पेसर है वो इंटीग्रेट होता है एंड दैट इज कॉल्ड स्पेसर देन, राइट। दिस इज बिफोर इन द फेज इट इज कॉल्ड प्रोटोस्पेसर, आफ्टर इंटीग्रेशन इट इज कॉल्ड स्पेसर। और ये कहाँ पे इंटीग्रेट होता है? प्रॉक्सिमल, मतलब लीडर सीक्वेंस के नजदीक, राइट, विद द हेल्प ऑफ कैस 7, कैस 1, ओके। दिस आर डिफरेंट प्रोटीन्स,
प्रोटोस्फेसर के बाजू में पैम होता है, पैम। ओके, पैम स्टैंड्स फॉर प्रोटोस्फेसर एडजेसेंट मोटिव, एडजेसेंट मोटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैम सीक्वेंस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैम के बाजू में प्रोटोस्फेसर हो तभी इंटीग्रेशन होता है। ओके, मींस पैम का होना इंटीग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दिस इज अ 5' to 3' एन जी जी सीक्वेंस। ओके, एन विल बी एनी न्यूक्लियोटाइड, जी जी इज गुआनिन। ओके, सो दिस इज अ सीक्वेंस, पैम सीक्वेंस एन जी जी। थ्री स्टेप्स है इस प्रोसेस में। दिस इज अ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज ने डीएनए इंसर्ट किया। ओके, फिर इसका होगा एक्विजिशन, एक्विजिशन मीन्स इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन होगा इन द डीएनए, राइट। सी लीडर इज देयर एंड दिस आर द स्पेसर्स रिपीट्स। ओके, और यहाँ पे कैस जीन्स है, राइट। इंटीग्रेशन क्रिस्पर लोकस में होता है, राइट। उसके बाद इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नॉर्मल प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन के बाद सी आर आर एन ए बायोजेनेसिस, दैट इज क्रिस्पर आर एन ए बायोजेनेसिस, बेसिकली प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर जिसमें लीडर सीक्वेंस भी है। देन इसकी होगी प्रोसेसिंग। ओके, प्रोसेसिंग के बाद मैच्योर सी आर आर एन ए हमें मिलेगा, राइट। मैच्योर सी आर आर एन ए में वन स्पेसर, ओके, इन द मिडल एंड दिस आर द रिपीट्स, राइट। यही होता है मैच्योर सी आर आर एन ए। ओके, बीच में स्पेसर एंड यहाँ पे रिपीट्स। राइट, सो दिस इज कॉल्ड मैच्योर सी आर आर एन ए, क्रिस्पर आर एन ए, राइट। अभी इंटरफेरेंस, जो प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, आर एन ए इंटरफेरेंस वो करेगा, मीन्स वॉट, दिस विल गेट एसोसिएटेड विद द कैस न्यूक्लियस। कैस न्यूक्लियस का काम क्या होता है, कटिंग करना। ओके, फिर दिस मैच्योर सी आर एन ए कैस के साथ मिलके टारगेट वायरल डीएनए को कट करेगा। ओके, सीयर डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट किया अलॉन्ग विद द कैस प्रोटीन। अभी इसमें थ्री टाइप्स है, थ्री टाइप्स। ओके, सो टाइप वन बेसिकली ई कोलाई में, एंड उसमें जो कैस कॉम्प्लेक्स होता है उसे कैस्केड बोलेंगे, कैस्केड, राइट। टाइप टू स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कॉजेस स्ट्रेप ग्रोथ, राइट। एंड टाइप थ्री स्टेफेलोकोकस ऑरियस विच कॉजेस स्किन इन्फेक्शंस, राइट। इसमें कैस 10 होता है, कैस 10। जो टाइप टू है दैट इज सिंपल एंड बेस्ट टू स्टडी, बट इट सिंप्लिसिटी के कारण इसे स्टडी में यूज किया है बहुत। एंड इसका ही सेंट्रल कंपोनेंट है कैस 9। ओके, कैस 9 विच इज अ सेंट्रल कंपोनेंट, न्यूक्लियस है। एंड कैस 9 को और प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है। ओके, सिंगल इज सफिशियंट, राइट। इसकी स्पेशलिटी है कैस 9 सिंगल इज सफिशियंट, अकेला ही सारा काम कर सकते हैं, नो अदर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड। नाउ सी दिस पिक्चर इज लिटिल बिट डिटेल मैकेनिज्म। ओके, सी कैस 9 में
देर आर टू डोमेन्स, टू डोमेन्स है. फर्स्ट इज एच एंड एच एंड सेकेंड इज अरूफ सी. ओके सी बोथ ऑफ दिस इज अ न्यूक्लियस डोमेन. क्या है ये? टू न्यूक्लियस डोमेन्स, राइट, इन कैस नाइन. जो फर्स्ट है एच एंड एच कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को कट करता है, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एंड रूफ सी नॉन कॉम्प्लीमेंट्री. नॉन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को कट करेगा. सी वी कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, ये जो डीएनए है दैट इज टारगेट डीएनए, राइट, टारगेट डीएनए. टारगेट डीएनए पर सी क्रिस्पर आने ने है. ओके दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, क्रिस्पर आरएनए. ये जो आरएनए है दैट इज ट्रांस एक्टिवेटिंग आरएनए. ओके ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए, ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए. ओके इसका लोकस अलग है, राइट, बट ये आरएनए प्रोसेसिंग में हेल्प करता है. ओके सी इन दिस स्टेप वी सो लॉन्ग प्री आरएनए से मैच्योर सी आरएनए बनता है. उस प्रोसेसिंग में भी ट्रांस एक्टिवेटिंग सी आर आरएनए का रोल है, राइट, इन प्रोसेसिंग. फ्रॉम लॉन्ग फॉर्म टू द शॉर्ट फॉर्म प्रोसेसिंग में रोल है ट्रांस एक्टिवेटिंग सी आर आर एन ए का, राइट. दिस आर एन ए इज सिंथेसाइज फ्रॉम अ डिफरेंट लोकस. ओके क्रिस्पर आर एन ए इसके साथ मिलके कैस नाइन से बाइंड होके टारगेट डीएनए को क्लीव करेगा. ओके सो दिस आर द कंपोनेंट्स, बेसिकली कॉम्प्लेक्स है, राइट, एंड कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्पर आरएनए है प्लस ट्रांस एक्टिवेटिंग आरएनए सीआर आरएनए, देन दिस विल गेट कंबाइंड विद कैस9 न्यूक्लियस एंड देन दिस all together will cut the target DNA. This is a process. Basically, ये mechanism है CRISPR Cas9 का, right? Detail mechanism. See, यहाँ पे PAM sequence है. As I said, PAM sequence is important. So this was about a mechanism, simple mechanism of CRISPR Cas9. अभी हम इसे जीन एडिटिंग में यूज कर सकते हैं. हाउ वी कैन यूज दिस मैकेनिज्म फॉर जीन एडिटिंग? तो हमने देखा स्पेसर जो है दैट इज सिमिलर टू फेज सीक्वेंस, राइट, और इससे जो आरएनए बनेगा वो भी जाके उसी को टारगेट करता है, राइट, टारगेट्स सेम सीक्वेंस. सो इन एडिटिंग प्रोसेस आई विल राइट हियर जीन एडिटिंग. जीन एडिटिंग प्रोसेस में एक टारगेट डीएनए को हम टारगेट करेंगे, राइट, कौन सा भी टारगेट है. ओके लेट्स से दिस इज अ सीक्वेंस, इसको हमें कट करना है अभी, राइट, सो वी विल यूज दिस क्रिस्पर होल मैकेनिज्म. सो इसके अगेंस्ट जो टारगेट डीएनए होगा इसका सीक्वेंसिंग करके हम सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग वी विल डिजाइन अ गाइड आरएनए. Like this. This is
सिंगल गाइड आरएनए, गाइड आरएनए टारगेट डीएनए को बाइंड करेगा एंड देन कैस नाइन विल कट देयर. ओके दिस इज द थिंग. नाउ वी विल सी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, यू विल सी द सेम पिक्चर. सी ये टारगेट डीएनए है ऑफ एनी जीन, राइट. इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम डिजाइन करेंगे सिंगल गाइड आरएनए. ओके बेसिकली व्हाट इज द सिंगल गाइड आरएनए, आई विल राइट हियर. सिंगल गाइड आरएनए इज अ क्रिस्पर आरएनए प्लस ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए. इसका एक कॉम्बिनेशन है, राइट. इसको हमने लिंकर लूप से ज्वाइन किया है. ओके लिंकर लूप के साथ ज्वाइन किया है. गॉट इट. एंड द रेस्ट थिंग इज द सेम प्राइम सीक्वेंस होना चाहिए, राइट. देन कैस नाइन टू डोमेन से कट करेगा टारगेट डीएनए को. जस्ट दिस इज द केस. ओके इन दिस स्लाइड व्हाट वी कैन सी, कैस नाइन एनएलएस के साथ को ज्वाइन करके न्यूक्लियस में हम डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं. ओके टारगेट कर सकते हैं. एनएलएस इज न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, राइट. देन यहाँ पे ब्रेक्स होते हैं, डबल स्टैंड ब्रेक दैट इज रिपेयर्ड बाय नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, राइट. नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग वी नो म्यूटाजेनिक प्रोसेस है. म्यूटाजेनिक मीन्स एरर प्रोन. ओके एरर्स प्रोड्यूस होते हैं, सो वी हैव टू प्रोड्यूस दैट एरर्स, राइट. जैसे कि इंडेल, इंडेल इज इंसर्शन एंड डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट को क्रिएट करता है. ओके सो यहाँ पे हमें डिलीट जो एग्जॉन है जीन है वो डिलीट हो सकता है, राइट. देन यहाँ पे सेकेंड टाइप होमोलॉगी डायरेक्टेड रिपेयर, इसमें हमने एक होमोलॉगी आर्म डोनर यूज किया है, डोनर टेम्पलेट, राइट. सो दिस विल रिपेयर. अगर पूरा जीन हमें रिस्टोर करना है विदाउट एनी म्यूटेशन तो हम ऐसे होमोलॉगी डायरेक्टेड रिपेयर से कर सकते हैं by giving the donor template, right. So basically this is a condition specific कैसे हमें use करना है and that is in the research. मतलब बहुत कुछ ऐसा भी है अभी तक हमें पता नहीं है इसके बारे में. We have to find this by doing the research, right. So let's see one example here. There is one disease Duchenne muscular dystrophy, basically known as DMD. Okay, इस disease में dystrophin जो protein है absent होती है, absent. Okay, lacking basically. Okay, this is genetic problem, right? So dystrophin protein is absent. अभी how we can cure this using this CRISPR-Cas9. So there are lot of exons here, right. Suppose I take example of exon 51. So exon 51 mein kuch mutation hai. Mutation hai jiski wajah se protein nahi ban rahi, right. So hum kya kar sakte hai? Using this CRISPR-Cas9, we can delete this exon. Okay, delete this exon. और अगर ये exon delete हुआ तो 51 से 52, 53 ऐसे reading frame restore होगी. Okay, जो mutated exon है उसको हमने delete किया और reading frame को फिर से जोड़ दिया.
तो इसकी वजह से प्रोटीन फॉर्म होगी, राइट? सो बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज जस्ट एग्जांपल टू गिव यू. सो बेसिकली क्रिस्पर कैस नाइन इज वेरी मच रिसर्च ट्रेंड नाउअडेज. ओके, सो व्हाट वी कैन डू, और क्या कर सकते हैं हम क्रिस्पर कैस को यूज करके? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू एक्टिवेशन डोमेन के साथ जोड़ दिया तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन कर सकते हैं, राइट? रिप्रेशन डोमेन के साथ जोड़ दिया तो रिप्रेस कर सकते हैं जीन को. ओके, ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर सकते हैं. अगेन एपिजेनेटिक मॉडिफायर जोड़ करके वी कैन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन. ओके, साइलेंसिंग कर सकते हैं, एक्टिवेशन कर सकते हैं, राइट? फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ मिला के वी कैन सी द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर आरएनए, राइट? मतलब ये किधर लोकेशन है, कौन से टिश्यू में है, ज्यादा एक्सप्रेशन कौन से टिश्यू में है, कम एक्सप्रेशन कौन से टिश्यू में है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड. ऑल्सो देयर इज वन थिंग, क्रिस्पर कैस मैकेनिज्म वी कैन कंबाइन, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं विथ जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी, राइट? वी कैन डू दिस. ओके, ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो कम इन यूनिट 12. यूनिट 12 में भी हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी करेंगे, स्पेशली जीन थेरेपी एंड स्टेम सेल थेरेपी. ओके, सो वी विल एंड यर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू.